नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजी अंजू। रेडियो बॉलीवुड में जानिए सिद्धार्थ की मौत से टूट गई थी शहनाज गिल बर्थडे पर याद करते हुए इमोशनल हुई और लिखा मैं तुमसे फिर मिलूंगी। सिद्धार्थ शुक्ला के जन्मदिन पर इमोशनल हो गई थी शहनाज गिल। शहनाज गिल बिग बॉस 13 फेम है। शहनाज गिल ने दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, साथ ही कुछ थ्रोबैक तस्वीरें भी शेयर की है। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का आज यानी 12 दिसंबर 2022 को जन्मदिन है। अगर आज वह जिंदा होते तो पूरे 42 साल के हो जाते। दिवंगत एक्टर के बर्थडे को शहनाज गिल ने स्पेशल बना दिया है। उन्होंने बीती रात को सिड का जन्मदिन सेलिब्रेट किया और एक बेहद इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा है। शहनाज ने मनाया सिद्धार्थ का बर्थडे। शहनाज गिल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिद्धार्थ शुक्ला के बर्थडे पर एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने सिद्धार्थ की एक हंसती हुई तस्वीर पोस्ट की है। हालांकि ये शहनाज का कैप्शन है जो उनके फैंस को इमोशनल कर रहा है। शहनाज ने कैप्शन में लिखा है मैं तुमसे फिर मिलूंगी 12.2। इसके साथ उन्होंने एक वाइट हार्ट की इमोजी बनाई है। शहनाज का ये पोस्ट देखकर सिडनाज रिएक्शन दे रहे हैं। शहनाज गिल ने सिद्धार्थ के लिए सिर्फ पोस्ट शेयर नहीं की बल्कि उनके नाम का केक भी काटा है। उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के बर्थडे के सेलिब्रेशन की झलकियां अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की। इसके अलावा उन्होंने सिद्धार्थ के साथ कई अनदेखी तस्वीरें भी शेयर की है। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की बॉन्डिंग जानिए इसके बारे में। हमारे साथ शहनाज और सिद्धार्थ बिग बॉस 13 में सिडनाज बने थे। एक समझदार एक्टर और दूसरी पंजाब की चुलबुली शहनाज, दोनों ने अपनी केमिस्ट्री से आइडियल बन गए थे दोनों और लोगों के दिलों को छू लिया था। शो में दोनों पहले अजनबी थे, फिर उनका ऐसा बॉन्ड बना जिसे आज पूरा देश जानता है। कहा जाता है कि शो के बाद दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में थे। भले ही उन्होंने अपने रिश्ते को सीक्रेट रखा, लेकिन समय समय पर दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए अपने प्यार और केयर को जाहिर कर देते थे। 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ के निधन के बाद शहनाज अकेली पड़ गई। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से वह बिल्कुल टूट गई थी। काफ़ी समय तक इस गम में डूबे रहने के बाद शहनाज ने फिल्मी दुनिया में वापसी की है और अब खुद को बिजी रखने का प्रयास कर रही है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए देश विदेश की अन्य खबरें जानने के लिए और रेडियो बॉलीवुड के अन्य चटपटी खबरें जानने के लिए हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिए रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।